राजधानी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में सेवा ही समर्पण के तहत गोल्डन लॉन्स डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कैंसर रोज डे मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर NDMC वाइस चेयरपर्सन बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय और बीजेपी के प्रवक्ता साजा इल्मी विनीता छाबड़ा को गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया गया। सेवा ही समर्पण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए गोल्डन लाइन क्लब की तरफ से कैंसर रोज डे मनाया गया, और जिसमें करीब 200 लोगों को जो कैंसर से पीड़ित थे उनके परिजनों को राशन किट दी गई, जिसमें एक कुकर मग, सर्दियों के लिए 3 कंबल और कई अन्य सामान दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे NDMC के वाइस चेयरपर्सन और बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय ने बताया कि आज इस क्लब की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी की सेवा समर्पण के तहत भाव रखते हुए जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनको मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है। यह संस्थान पहले भी कैंसर से पीड़ित लोगों का बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराती है और लोगों का ख्याल भी इस संस्थान के लोग रखते हैं। आज उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया, वह काफ़ी गर्व महसूस करते हैं और उन्होंने बताया कि कैंसर जैसी बीमारी से आज कितने लोग त्रस्त हैं यह हम सब जानते हैं, लेकिन उन्हें एक माहौल मिले कि उन्हें ऐसा ना लगे कि कोई बीमारी है, जैसा यह संस्थान करती है काफ़ी अच्छा कदम है। और इस संस्था की तरफ से आज उन्हें कम्बल राशन किट दी गई, जिसमें घर के ज़रूरतों के सामान दिए गए। इस संस्थान से कई बड़े बड़े राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ मुफ्त इलाज भी कराते हैं। देखिए, आज का जो मेरा अनुभव है, हमारे सामने ललिता जी हैं और इनकी टीम जिस प्रकार का काम कर रही है उसके लिए मेरे पास शब्दों का अभाव है। जिस तरह से डिप्राइव लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, और ख़ास करके ऐसे लोग जिनके पास जिनका ना पैसा है, जिनके पास ना हॉस्पिटल की उनके पास कमी है, डॉक्टर्स के पास वो नहीं जा सकते हैं, दिल्ली से दूर दूर से आते हैं, यहाँ उनका कोई नहीं है, उनको राशन देना, उनको उनका इलाज करवाना, उनके जीवन में एक उम्मीद के माध्यम से एक नई रोशनी देना, तो अंधेरे में प्रकाश का काम ये संस्था कर रही है। और मैं इनको जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। लगातार पिछले कई वर्षों से, 25 वर्षों से ललिता जी को मैं जानता हूँ कि वो इस सारे काम में लगी हैं, और खाली ये कैंसर पेशेंट ही नहीं, उनको स्वावलंबन देना, उनको रोजगार देना, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना, प्रधानमंत्री का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, इन सबको स्वाभिमान से आत्मनिर्भर बनाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं हृदय से सेवा और समर्पण जो प्रधानमंत्री कहते हैं, जो उनका सपना है, उस सपने को पूरा कर रहे हैं। मैं इन सभी लाइनेस को और जो इनकी पूरी टीम है उनको सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। ऐसा है कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर 2 पेशेंट ऐसे देखे जो मेरी फैमिली से थे, कैंसर से। तब से मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कैंसर के ऊपर कुछ काम करूँ। तब हमने अवेयरनेस के लिए 45 कैंप्स लगाए, वही मुझे डॉक्टर मनदीप मिले, और डॉक्टर मनदीप ने मुझे एक मेरे को सपोर्ट दिया, और जिसकी वजह से मैं आज उम्मीद कैंसर के अंदर 200 पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, और उसके अंदर अभी सिर्फ 4 पेशेंट है जिनकी खाली डेथ हुई है, बाकी सब अपने अपने काम पे है। बिलो पॉवर्टी लेवल के जो पेशेंट्स हैं हम उनकी सेवा के लिए यहाँ है। और ये जो गोल्डन लाइनस की तरफ से पिछले 25 साल से हम कैंसर का प्रोजेक्ट करते हुए आ रहे हैं, ये एवरी 22 सितंबर पे होता है, ये कैंसर रोज डे है। इसके अंदर उनकी देखा जाता है, उनको खाने के लिए, पीने के लिए कंबल है, ब्लैंकेट्स है, ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि एक इंसान जो ऑलरेडी एक बीमारी से ग्रस्त है, अगर उसको कुछ देर के लिए कुछ गिफ्ट मिलती है या कोई चीज़ मिलती है तो उतने पल वो जी लेता है, उसको एक अलग से खुशी मिलती है और वो उसके अंदर जीने की कोशिश करता है। ये पेशेंट आए आपके ट्रोमा सेंटर से है, राजगढ़िया से है, रतिलाल से है, बहुत सारे पेशेंट है जो सड़क पे बैठे हुए हैं वो भी हैं इसके अंदर। ये वो कैंसर पेशेंट है जो अपने घरों को छोड़ के महीना महीना भर के लिए यहाँ रह रहे हैं, तो इनको इस चीज़ों की बहुत सपोर्ट होती है। और कुछ पेशेंट्स हैं जो अभी थोड़ी देर बाद बाहर आप देखेंगे वो आ गए हैं, वो हर साल खाली ये राशन लेने के लिए अपने गांव से चल के आते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें कि उनकी कितनी ज़रूरत होगी कि वो अपना घर छोड़ के, काम छोड़ के एक छोटे से राशन के लिए आ रहे हैं। आप उसकी मजबूरी को ज़रा एहसास करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कितनी अजीब सी मांग है।